गीत में कोई सवाल नहीं है फिर से दीपाला जी, बिल्कुल सीधा सुना हुआ आपका पसंद है, आनंद लीजिएगा। विवेक ऋषि आदर्श और नितिन इन सब की ओर से ये माता रानी के दरबार में ये माँ के प्यारे भक्त हैं, उन्होंने 21 रुपए देकर के घी चलाए, इधर से आया इधर निकल गया पूरब की तरफ। ओए दिल चोरी साडा हो गया है, की करिए की करिए। दिल चोरी साडा हो गया है, की करिए की करिए। सपनों में किसी के खो गया हूँ, नजम डली हो। आइए रोहित बेटा, पहले गीत की भूमिका समझा देते हैं, बहुत सरल सा गीत है, आप गीत की पृष्ठभूमि सुन लीजिएगा। कि रावण कुमार राम जब अवध में आ गए, बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रावण कुमार राम जब अवध को आ गए, राजा बन श्री राम सब प्रजा को भा गए। ना कोई था दुखी और कोई दीन नहीं था, कोई भी सारे राज्य में श्रीहीन नहीं था। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आनंद से रहा बीत समय सोचते श्री राम, राम राज हो गए महाराज। दूतों से सारा हाल जान करते थे आराम, दूतों से सारा हाल जान करते थे आराम, दूतों से सारा हाल जान करते थे आराम। ये जो तीसरी आंख होती है, चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, प्रभु राम के गुप्तचर जाकर के राम राज की सूचना देते, राज कैसा चल रहा है। शिवी आई
एक रोज दूतों ने था देखा अजब नजारा। रोहित भैया, एक रोज देखा दूतों ने अजब नजारा, एक पत्नी पति के बीच का ये झगड़ा था सारा। रात का समय दूत घूम रहे हैं, पति और पत्नी में लड़ाई हो रही है। क्या कह रहा था? अपनी पत्नी से ऐसे वचन कह रहा था वो। अरे तू रात बता, अरे तू रात बता कहाँ को गई, मेरे घर में पैर न धरिए। और साधारण बात है। अरे तू रात बता कहाँ को गई, मेरे घर में पैर न धरिए, और किनके घर जाके सो गई, मेरे घर में पटेल जी। एक बात और आपको बता दूं, ये बता दूं कि ये जो भाषा प्रयोग की गई है ये पात्र के अनुकूल भाषा है। ये काव्य का पहला आदर्श होता है दीपक भैया। काव्य के उसूलों में, काव्य के नियमों में आता है कि देश काल वातावरण और पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग करें। अब वो दूत सुन रहे थे कि लई बेसरमाई ओढ़ काहे बैठी है मोह मोड़ी, अब मैं तुझसे ज्यादा क्या कहूं। अरे तू घर घर, अरे तू घर घर डुल्ली हो गई, अरे तू घर घर डुल्ली हो गई, तेरो जिया बेटा तू रात बता कहाँ को गई, मेरे घर में पैर न धरिए। तू रात बता कहाँ को गई, मेरे घर में पैर न धरिए। कि तू मनमानी है करती, मन में नटक है करती, तू मनमानी है करती, मन में नटक है करती, कि तू मनमानी है करती, तू मनमानी है करती, मन में नटक है करती, कुछ नहीं भरोसा तेरा तब किसके घमंड में, अरे तू किसके घमंड में हो गई, जब कर रही है ये पति और पत्नी है वो कौन है? आदरणीय पटेल साहब, आला उदल की जोड़ी। जैसे ही पति की बात सुनी वो पत्नी कहती है, अरे धोबिन तब ऐसे बोली मैं इधर उधर ना ढोली, तब ऐसे बोली मैं इधर उधर ना ढोली, तब ऐसे बोली मैं इधर उधर ना ढोली, धोबिन तब ऐसे बोली मैं इधर उधर ना डोली, सुन साजन बात काम की, वहाँ है रही कथा नाम की। क्या? अरे मैं रात वहीं पे तो गई, तो गई, अरे मैं रात वहीं पे तो गई, कल संशय में मत बता। और जैसे ही पत्नी ने
यानी धोबी ने ये कहा कि मैं राम की कथा सुन करके आई हूँ, कहू संशय में मत परी। एकदम से पति कहता है अच्छा ना राम में ना तू सीता, सुन अरे ना राम में ना तू सीता था जिसका हुआ फजीता, अरे ना राम में ना तू सीता था जिसका हुआ फजीता, इतने दिन घर ना आई तो राघव ने अपनाई, अरे तुझे सीख बेजो गई, अरे तुझे सीख बे जो गई, अरे तुझे सीख बे जो गई जा सी गई के तरी, तू रात बता काम को गई मेरे घर में शहर न धरी, तू रात बता काम को गई मेरे घर में शहर न धरी। और अंतिम बात सुनेगा, अंतिम बात सुने, तू जल्दी यहाँ से डर जा मुख कालो यहाँ से डर जा, तू जल्दी यहाँ से डर जा मुख कालो यहाँ से डर जा, तू जल्दी यहाँ से डर जा मुख कालो यहाँ से डर जा। आप लोग जानते हैं यही वृत्तांत यही वार्तालाप माँ सीता के पुनर्वनवास का कारण बना, और क्यों बना? वो बना इसलिए ये पूर्व जन्म में जो धोबी और धोबने तोता और तोती थे, आप लोग प्रसंग सुना होगा पढ़ा होगा, जब फुलबगिया में पुष्प वाटिका में तोता तोती बैठे हैं आपस में बात चल रहे हैं, स्वयं सीता स्वयंवर होगा, राम जी आएंगे धनुष तोड़ेंगे सीता को विवाहेंगे। सीता पक्षियों की भाषा समझती है, पकड़वा लिया, अगर तुम्हारी बात नहीं सही ना निकली तो समझ लेना भगवत प्रेमी सज्जनों, तोते को छोड़ दिया, तोती कैद में है, तोते के वियोग में तोती ने प्राण त्याग दिए और श्राप दे दिया है सीता, आज तू मैं गर्भावस्था में हूँ, मेरे पति से तूने मेरा वियोग किया है, या तू भी गर्भावस्था में अपने पति से अलग हो, इसलिए एक कारण बना। तब धोबी कहता है अरे तू जल्दी यहाँ से डर जा मोह कालो यहाँ से डर जा, रास्ते से ये हंसे जमाना तू लौट के फिर ना आना, और तू अब काहे को रो गई, तू अब काहे को रो गई थोई ज्योति ऐसो करी, कही फिर घर में पैर न धरिए, तू रात बता को कही फिर घर में पैर न धरिए, तू घर घर डुल्ली हो गई तेरो जी आवेता मरिए, तू किसके घमंड में खो गई जस कर रही है मरिए, मैं रात वही पर तो गई कऊ संशय में मत परिए, तू जे सीख बे जो गई जा सी तई बन के करिए, और तू अब काहे को रो गई कोई तोती कैसो करिए, तू रात बता का खो गई मेरे घर में पैर न धरिए, रात बता का खो गई मेरे घर में पैर न, घर में पैर न, घर में पैर न धरिए। क्या बात, आइए आइए टुकड़ा एक कटपीस आप जो सुनेगा, कटपीस में फिर कोई विशेष महत्व नहीं है दीपमाला जी, आजकल
आइए चलते हैं आपके गीत की ओर और बढ़िया बढ़िया धुनें गा रहे हैं। गीत आया आपका, क्या कहे आपको जो है वही कहेंगे, बिल्कुल वही कहेंगे, बस जो हो वही कहा जाएगा। आप तो महान लोग की हस्ती में है, जब मैं कह चुकी हूँ कि मैं आपसे सीख रही हूँ तो बस सीख रही हूँ। गीत आया के मैडम तेरी चाल तेरे सिटी सिल की बाल अब मैं किससे राजा क्या के मैं नशे में कली हो गया कोई की करिए की करिए Yeah.
गप करने को है भाई के द्वापर में बनी है कुबजा, के द्वापर में कुबजा बनी है के हरि प्रेम के रस में सनी है। ये लीला निराली हो गई मेरे हाथ में हाथी ये धरिए, के लीला ये निराली हो गई मेरे हाथ में हाथी ये धरिए, और तन मन से तेरी हो गई मेरे हाथ में।